हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सो स्वागत है ट्रू गेम पॉइंट में। और गाइस, आज आप देख पा रहे हो, आज एक और इंडियन कार्स की वीडियो है जीटी 5 में। तो गाइस, आप देख पा रहे हो सभी इंडियन कार्स अपने पास हैं, चार पांच हैं, पांच कार्स हैं टोटल। और गाइस, सामने हमने जो काफी सारे जो है ना बैरियर्स लगा रखे हैं, मैं पहले आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ क्या क्या लगा रखे हमने। तो गाइस, वहां पे दूर देख पा रहे हो, पता नहीं आपको दिखेगा क्या नहीं, ये देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक और पांच है टोटल। अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग चेसिस के अलग अलग हाइट के हिसाब से लगाए हैं गाइस वहाँ हमने। और गाइस, वहां से जो है कार क्रैश होगी और पता लगेगा कि कौन सी इंडियन कार की जो रूफ है, जो ए पैनल है, वो कौन से ज्यादा सेफ है। और जो है बोनेट भी, मतलब मुझे लगता है बोनेट भी ज्यादा डैमेज हो जाएगा। तो देखेंगे गाइस कौन सी इंडियन कार सबसे ज्यादा सेफ है इन पांचों में से। तो गाइस, सबसे पहले अपनी क्रेटा आती है। सबसे पहले आप देख पा रहे हो इंटीरियर काफी जबरदस्त गाइस, अभी लेके चल रहा हूँ मैं इसे। और भाई साहब, इसका पिकअप भी काफी जबरदस्त है। तो गाइस, सामने आप देख पा रहे होगे, अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा इतनी दूर है। अभी स्पीड हमने 150 से प्लस की कर ली है गाइस, देख पा रहे होगे आप। और भाई साहब, अभी क्रैश होने वाली कार, ओ भाई साहब, माई गॉड गाइस, देख पा रहे हो ए पिलर के तो टच भी नहीं हुई, मतलब कार काफी ज्यादा जो है नीचे चली गई थी जब क्रैश हुई। और गाइस, ए पिलर के ऊपर और बॉनेट पे भी स्क्रैच आ चुके हैं, बॉनेट पे भी थोड़ा बहुत डैमेज तो हुआ है, पता नहीं लग रहा, बस सिल्वर कलर के कारण। और भाई, इधर वाला डोर खुल गया है दोनों, और गाइस काफी ज्यादा डैमेज आया है यार, मुझे नहीं लग रहा था इतना डैमेज आएगा। ऊपर से देख लो, काफी ज्यादा डैमेज आया है यार, छत छत जो है थोड़ी बहुत मुड़ चुकी है, और अपना यहाँ पे जो है काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है फ्रैंकलिन भैया की। अभी बात करते हैं टाटा सफारी की, सबसे पहले इसको पार्क कर लेते हैं, फिर लास्ट में जो है कंपेयर भी कर लेंगे अगर हुआ तो। और भाई, डोर भी मुड़ चुका है यार, देखो यार, मतलब जबरदस्त टक्कर थी। और अभी बात करते हैं अपनी सफारी की गाइज, यार सफारी भी काफी बढ़िया है, टाटा सफारी स्ट्रॉन्ग। और गाइज, आप देख पा रहे हो यहाँ पे टाटा लिखा हुआ है पीछे, 4x4 VX स्ट्रॉन्ग, सामने भी स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। तो यार गाइज, यार चलते हैं यहाँ से। और सामने आप देख पा रहे हो भैया, डुअल एग्जॉस्ट है इसके, ये मुझे काफी अच्छी बात लगती है इसकी। तो गाइज, आप देख पा रहे हो यहाँ से हम चल चुके हैं, और सामने इसका भी जो है बैरियर लगा हुआ है। और भाई साहब, भाई गुडनेस गाइज, ये तो काफी बुरी हालत में क्रैश हुई और पूरी ग्राउंड टच कर चुकी है, मतलब इंजन कहाँ पे गया गाइज यार, उसके मुझे पता ही नहीं लग रहा। अभी गाइज यार, प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये जो है काफी चलने की हालत में भी नहीं है। अभी आप देख पा रहे हो कि सामने भी भाई स्टेयरिंग व्हील कहाँ पे है इसका, ऊपर भी पूरे छत जो है बग आ चुका है इसमें, मतलब इसमें कुछ बचा ही नहीं है गाइज यार। अभी शाम अगर पीछे देखो ना यार, कुछ पता नहीं लगेगा आपको इस कार को जो है हमने क्रैश किया है या फिर नहीं किया, बट अगर सामने से देख पा रहे होगे, मतलब यार जबरदस्त टक्कर हुई है, मुझे नहीं लगता इतना इम्पैक्ट जो है किसी और कार में आएगा, बट अभी देखते हैं बारिश सब की आएगी गाइज यार। क्रेटा में तो फिर इस हिसाब से काफ़ी कम डैमेज आया है। तो गाइज, फ्रैंकलिन भैया के तो डोर भी मुड़ चुका है यार, ये तो काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर थी। अभी यार स्कॉट पे देखो, इसका तो मन ही नहीं कर रहा मुझे लगाने का टक्कर, क्योंकि इसके अलॉयज काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं, बट हम चलेंगे गाइज यार अभी यहाँ से। तो गाइज, हम सामने जो है ब्लू कार्ड भी लगा हुआ है, देखते हैं इसका असर कितना होता है या नहीं होता। और भाई साहब, यहाँ पे सामने आप देख पा रहे हो इसकी हाइट के हिसाब से बैरियर लगा रखे हमने, और एंटीना बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, अभी पता लग जाएगा। ओ भाई साहब, गाइज बैक एंड देख रहे हो भैया, फ्रैंकलिन का जो है सिर भी मुड़ जाना था, अभी बच गया वो, तो नीचे हो गया हुआ। और गाइज, ये तो सबसे ज़्यादा क्रैश हुई है भैया, और छत पीछे तक मुड़ चुकी है गाइज, पीछे वाले शीशे जो है टूट चुके हैं। और गाइज, इसकी तो काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है, देख पा रहे होगे पीछे से, मतलब पीछे से भी इम्पैक्ट नज़र आ रहा होगा, और छत पूरी मुड़ चुकी है, फ्रैंकलिन भैया का टोटम जो है सामने देख पा रहा होगा। और गाइज, बुलगार्ड वैसा का वैसा ही खड़ा है, बिकॉज बुलगार्ड पे असर सीधा नहीं पड़ा, ऊपर की तरफ इम्पैक्ट था, तो इस हिसाब से गाइज यार बुलगार्ड में इतना असर नहीं हुआ। बट गाइज, सबसे ज़बरदस्त टक्कर थी ये वाली, जो आज तक का सबसे बढ़िया क्रैश टेस्ट जो आज हुआ है गाइज, ना यही है स्कॉर्पियो का, मतलब यार बिल्ड क्वालिटी पुरानी स्कॉर्पियो की थोड़ी सी थी बेकार, बट अभी तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। और अभी बात करते हैं अपनी इंडेवर की, तो गाइज यार इंडेवर भी काफ़ी ज़बरदस्त है, फुल है पूरा। और गाइज, इसकी आवाज़ देख ही पा रहे होगे आप, और गाइज इसने भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ चुकी है अभी ये, अभी देखते हैं इसका क्या हालत होने वाली है। तो गाइज, ये भी अभी आराम से टक्कर लेंगे इसकी भी। और गाइज, माय गुडनेस गाइज, ये तो पूरी नीचे ग्राउंड टच हो गई, मतलब काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस थी। बट गाइज, यहाँ पे बॉनेट पे थोड़ा बहुत डैमेज आया है, और ए पिलर इधर वाला जो है मुड़ चुका है, बाकी और कोई डैमेज ही नहीं आया, मतलब पूरी कार नीचे टच हो गई थी बट डैमेज इतना नहीं आया यार, ए पिलर ही मुड़ा है, उसके साथ में डोर की जो ट्रिम पे है वो भी मुड़ चुकी है, बाकी यार इतना ज़्यादा डैमेज नहीं आया जितना हमें बाकी कार देखने को मिला है। अभी लास्ट कार बची है हमारी फॉर्चुनर, तो इसको पहले पार कर लेते हैं। और भैया, मुझे तो शर्म आ रही है, मतलब इतना भयानक टेस्ट था यार, मतलब यार अपनी इंडियन कार्स को काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है भैया। अभी बात करते हैं अपनी फॉर्चुनर की,
ये यार सिल्वर ग्रे ग्रे कलर में काफी ब्लूइश ग्रे है, ये ब्लूइश सिल्वर है सॉरी। तो यार ये कलर में काफी जबरदस्त लग रही है बैक एंड से, तो अभी लेके चलते हैं इसे क्रैश टेस्ट के लिए। तो गाइस काफी तरह तरह के क्रैश टेस्ट करते रहते हैं हम, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो यार ऐसी वीडियोस के लिए। ओ भाई भाई भाई, और गाइस इसकी पूरी जो है बॉडी अभी मतलब ऐसे लग रहा होगा हुआ ही नहीं कुछ, बट गाइस फ्रंट से बॉर्नर ऊपर उठ चुका है और जो है बम्पर हिल चुका है, और गाइस पिलर भी यहाँ पे डैमेज हुआ है बट उतना नहीं दिख पा रहा हो। इसकी ट्रिम जो है छत की भी उखड़ चुकी है, छत तक डैमेज जो है गया है, बट डायरेक्ट इन डैमेज जो होने के कारण देखते हो अब काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें इम्पैक्ट पड़ा है, बट डायरेक्ट आपको दिख नहीं रहा होगा। गाइस यार ये काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब अंदर तक गया है इम्पैक्ट, छत भी इसकी हिल चुकी है और डोर्स की जो है यहाँ पे साइड ग्लाइडिंग भी वो भी हिल चुकी है। तो गाइस अभी लगाते हैं इसको ठिकाने पे इसके, और फिर दिखाते हैं कंपेयर करके कौन सी कार में सबसे ज़्यादा डैमेज आया, और फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पोजिशन निकालेंगे। और गाइस सबसे जो ज़्यादा डैमेज आया वो तो अपना पता ही आपको, अपनी स्कॉर्पियो फर्स्ट पोजिशन व्यू में दिखाते हैं। स्कॉर्पियो में सबसे ज़्यादा डैमेज आया भैया, इसको शक्ल देखो यार इसकी, मतलब कैसी हो रखी है, इमोजी जो होता है ना वो वैसी शक्ल आ रही है। सेकंड पे अपनी टाटा सफारी, ये भी मतलब ग्राउंड टू टच हो चुकी है, बट ये भी इतना ही हुई है वैसे तो यार। ओ भाई फ्रैंकलिन ऊपर चढ़ गया, मतलब ऐसा लग रहा है भैया कुछ है ही नहीं इस कार में। और गाइस ये छत देख चुके हो, मतलब यहाँ से पूरी छत मुड़ चुकी है, अभी क्या ही बचा यार इसमें। तो अभी सेकंड पे अपनी टाटा स्टोम है, ये सबसे ज़्यादा डैमेज इसमें ही है। और भैया थर्ड है अपनी क्रेटा में भी ज़्यादा डैमेज आया तो है गाइज, थर्ड अपनी क्रेटा और फोर्थ अपनी इंडेवर, बिकॉज इसमें भी उतना ही डैमेज आया क्रेटा जितना, बट ये मेरे से ज़्यादा अच्छी रही। और लास्ट में अपनी सबसे बढ़िया जो है रही, वैसे स्किन में काफ़ी डैमेज आया है, बॉनेट हिल चुका है, बट गाइज पिलर जो है बैंड नहीं हुए, थोड़ा बहुत हिल चुके हैं बट बैंड नहीं हुए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइज ऐसे क्रैश टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो मिलते हैं आपको ऐसे के लिए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।